गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अश्विन प्रजापति है। मैं टोटल 5 प्लांट देखता हूँ। इसमें डायरेक्ट प्लांट में जो 5S की जो एक्टिविटी है उसमें हमने काफ़ी सारी एक्टिविटी की है, तो उसमें 1S जो हुआ था 1 मंथ पहले, उसके बाद आज 2S का ऑडिट है। 2S का हमने काम किया है, तो उसमें एक रिएक्टर था हमारा जो 4KL SS316 रिएक्टर V1 जो अनयूज था, तो वो निकाल दिया। इससे स्पेस हमारा बढ़ गया, काफ़ी वेंटिलेशन अच्छा हो गया, लाइट अच्छा हो गया निकलने से, और वो रिएक्टर हमने इंडक्शन टू प्लांट में यूज़ किया, तो मतलब कि हमारी कॉस्ट बच गई, जो मिनिमम 12 से 13 लाख की कॉस्ट आती है रिएक्टर की। ऐसे हमने ट्रे डायर जो है हमारा 500 किलो का, जिसमें 96 ट्रे है, अभी 3 ट्रे डायर थे, उसमें 2 यूज थे, 1 का यूज़ नहीं है, तो मतलब कि वो स्पेस था उसका ज़्यादा दे रहा था, तो उसको निकाल दिया हमने। उसको भी वहाँ भी हमको काफ़ी सारा स्पेस मिल गया, वो हमने रखा है SKS सेफ कीपिंग यार्ड में। अगर तो कोई भी डिसीजन चाहता है तो ट्रेडर वहाँ से यूज़ कर सकता है। इससे हमारा 70,000 का जो कॉस्ट है वो भी कम हो गया। हमारा ये जो वर्क जो है टीम वर्क के हिसाब से हुआ, मतलब अकेले से मेरे से नहीं हुआ, हम सब साथ में मिलकर किया है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सिविल, प्रोडक्शन, तो टीम वर्क हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। अभी 1S और 2S हमने किया है, और आगे 3S 4S भी करना है हमको, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। यस सर, माई सेल्फ मिलन पटेल। मैं अतुल में पिछले 5.5 साल से जॉब कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल देखता हूँ। जब हमारी कंपनी में 5S का इंप्लीमेंट चालू हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, तो हमने 1x1 प्लांट ऐसे सिलेक्ट किए कि किस कलर से हम उसको 5S तक ले जाए और सेफ्टी कैसे इम्प्रूव करें। तो एज अ डायरेक्ट प्लांट पूरा तो हम एक साथ कर नहीं सकते, तो सबसे पहले एज अ मॉडल बनाने के लिए हमने हर्बिसाइड सेक्शन जो है उसको सिलेक्ट किया। तो उसमें क्या है कि पुरानी जो केबल ट्रे थी वो MS की थी, उसके लेयर के लेयर केबल ट्रे था, केबल था, तो उसको अभी ड्रेसिंग करना तो थोड़ा इम्पॉसिबल था। तो हमें चांस मिला कि प्लांट बन था, तो उसमें हमने पुराने केबल निकाले अराउंड 3000 मीटर, और उसके बाद हमने MS का केबल निकाला और एक लोकेशन फाइनल किया। उसमें हमने एक FRP का केबल ले डाला, उसके ऊपर हमने 1x1 पहले क्या था कि प्लांट का नियर बाई जितने भी पंप थे तो उसका लोकल कंट्रोल पैनल एक जगह पे था, तो हमने वो इंडिविजुअल दिया जिससे हमारी सेफ्टी भी इंप्रूव हो जाए, और बाद में एस्थेटिक लुक भी अच्छा लगे। उसके हिसाब से हमने प्रॉपर टैगिंग किया, पूरा केबल रेसिंग किया, और आज एज अ मॉडल प्लांट हम किसी को दिखाना चाहते हैं तो हमेशा दिखा सकते हैं, जिससे हम इसका अप्रूवल लेके पूरा प्लांट एज अ 5S के हिसाब से मॉडल बना सके। 3000 मीटर में से जितने भी कॉपर केबल थे वो हमने रीयूज़ किए, जहाँ पे लेंथ का हमें 40 मीटर है, 50 मीटर है, तो कहीं हम पंप में यूज़ कर लिया, कहीं हमने लाइटिंग सर्किट में यूज़ किया, जो एल्यूमिनियम ओलेजिंग केबल थे उसको हमने स्क्रैप किया है। थैंक यू। आई एम अमित तिवारी। आई एम स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम अतुल इन 2018 एज ए सेफ्टी इंचार्ज, बट राइट नाउ आई एम लीडिंग अ डायरेक्ट प्लांट एज ए प्लांट इंचार्ज। मैंने इससे पहले भी 5S इम्प्लीमेंट किया था, उससे भी मुझे कुछ काफ़ी सारे नॉलेज मिले, और यहाँ पे जब इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ तो मेरे जो कलीग्स थे मेंटेनेंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और प्रोएक्टिवली हम लोगों ने काम किया। इसके अलावा मेरे जो ग्रुप इंचार्ज हैं जितेंद्र पांडे जी ने, उन्होंने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया, और इवन उन्होंने ये तक कहा कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उससे ही हमको 5S इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा नहीं कि हम कब होएगा कब आएगा उसके भी आप पे करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली हमको सपोर्ट किया, और हम लोगों ने अभी फिलहाल तो सारी लाइनिंग वगैरह सब पे टैगिंग कर दिया है। काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, इवन NDO भी काफ़ी अप्रिशिएट करके जाते हैं, क्योंकि पहले जो भी आता था तो काफ़ी हर वीक कंडीशन था डायरेक्ट प्लांट का, बट अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। कोई ऐसा आदमी आता है वो कुछ ना कुछ तारीफ करके ही जाता है, और अभी हम फिलहाल काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अभी प्लांट शटडाउन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। रेड टैग की लाइनें वगैरह काफ़ी सारी हमने करीब 1000 मीटर लाइनें निकाली हैं, 100 से ऊपर सपोर्ट्स निकाले हैं, उसमें फिक्स सपोर्ट और वेल फ्लेंज वाले सपोर्ट्स जो भी थे, वोल्टेड सपोर्ट बहुत सारे निकाल दिए हैं हमने, और जो भी अनवांटेड लाइन हैं और 2-4 रिएक्टर हैं वो भी निकालने का भी हमारा प्रोग्राम है आगे का, और 2S तक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया है। आगे जस्ट अपकमिंग टाइम में हम 3, 4 और 5S को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे आदमी भी जो कोवर्कर्स हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, अच्छा अप्रोच रखते हैं, वो भी सब अवेयर हैं 5S को लेकर, काफ़ी अच्छा था।